खाली पेट दूध कभी भी मत पीना। तुमने मेरा चैनल पोर्न अप बना दिया। टैलेंट होना चाहिए खड़ी करने का, बिल्कुल घिसा के पाक कर सकता हूँ मैं। पता है क्या, आजकल के लोगों को लगता है कि डाइट कोई अलग ही चीज होती है। चला रही पापा ही परी। ब्रेकर पे खुदा भाई गाड़ी। इस तरह कुछ गिफ्ट देने का जी कर मेरा, मैं दे दूं पर ये खो दे यार। हे गाइस, बस सब कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आप सब लोगों का डे 3 व्लॉग में। एक गुड न्यूज ये है कि जैसे 2 दिन हुए हैं मुझे डाइट स्टार्ट करते हुए, 2 दिन में अराउंड 1 kg वेट गेन हुआ है हमारा। अच्छा है, आवाज़ भी थोड़ी हैवी होने लगी है, नींद अच्छी आने लगी है। नींद अच्छी आने का मतलब होता है कि आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो और सोते टाइम आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो आज बहुत तगड़ी नींद आई हुई थी भाई, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया था, बॉडी को थकती नहीं थी तो नींद भी नहीं आती थी। अब अच्छी नींद आ रही है, सब अच्छे से जा रहा है। और आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है वही होने वाला जो डेली होता है, लेकिन आज जैसे ही मैं सुबह उठा मुझे पता चला घर में केले नहीं है, एक ही केला बचा हुआ है। हम 2 केले डालते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे एक केला तो यूज़ करेंगे, दूसरे केले की कैलरीज को पूरा करने के लिए हम बिस्किट डाल लेंगे अपने शेक में। जी हाँ, बिस्किट। ऐसा नहीं कि बिस्किट से फैट आ जाएगा, ना यार इतना मत सोचा करो। अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो ना और अच्छे से अपनी स्लीप ले रहे हो तो कोई फैट नहीं आता यार बॉडी में। मैं बर्गर भी खाता था यार पहले, तरुण गिल को तो खाम खा बदनाम कर रहा था यार। कुछ चीज़ें वो बकचोदिया करता भी है लेकिन कुछ चीज़ें सही भी बताता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सारी ही चीज़ें बकवास बताता तो इतने ऊपर ना जाता, ठीक है। तो कुछ चीज़ें वो ठीक भी बताता है। अभी इसमें मैं 2 बिस्किट डाल लूँगा, एक बनाना में आपकी 100 कैलरीज होती है तो 2 बिस्किट मेरी कैलरीज भी पूरी कर देंगे। हमारे स्पॉन्सर का मास गेनर। दूध आज भी नहीं डालेंगे क्योंकि सुबह खाली पेट दूध कभी भी मत पीना। मेरे पास आने के बाद आपको ये बात पता चली होगी, खाली पेट दूध कभी मत पीना, क्योंकि खाली पेट दूध नहीं पीते। तो पानी में यहाँ पर अपना शेक बनाएंगे। अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है भाई, इंजरी थोड़ी सी रहती है अभी भी, थोड़ी सी क्या काफ़ी है वैसे तो। अभी अभी बनाना शेक पी लेते हैं अपना, तब तक हमारा व्लॉग भी अपलोड हो रहा है, डे 2 व्लॉग। एक्चुअली पता है क्या होता भाई, पूरे दिन की शूटिंग करनी पड़ती है पहले, तो फिर अपनी डाइट भी देखनी पड़ती है, जिम भी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद एडिटिंग भी। तो कल रात को डे 2 व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, एडिटिंग ही नहीं हुई भाई। और ऊपर से इंडिया श्रीलंका का मैच आया हुआ था, मैच का मैं बहुत बड़ा क्रिकेट मैच का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्रिकेट बहुत देखता हूँ। तो अभी सुबह सुबह अपलोड करूँगा वीडियो, हो रही है वीडियो अपलोड, और साथ ही साथ आज की वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। और भाई वीडियोस बनाने का पर्पज़ सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। मैं तो वीडियो ना भी बनाऊंगा पर आप लोगों को पता कैसे चलेगा। अभी मैं इंडिविजुअली तो सबको जाके बता नहीं सकता ना कि आपको ये डाइट लेनी है, ये डाइट लेनी है। अभी जो भी बंदा फॉलो करता है उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी, अगर वो वीडियो देखेगा तो उसको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। एक तरह से उसको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ यही डाइट होती है। उस पता है क्या, आजकल के लोगों को लगता है कि डाइट कोई अलग ही चीज़ होती है, और ये बंदा तो पता नहीं क्या क्या खा रहा है, कब ऐसी बॉडी बनेगी। भाई यही डाइट होती है और एक कंटिन्यूटी का नाम होता है। आप कंटिन्यू जितने ज़्यादा टाइम तक डाइट करोगे, अपना वर्कआउट करोगे, तो आपकी बॉडी रिस्पोंड करती है। सो वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा निकालिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से वीडियो मत देखिए, अपना फ़ायदा निकालना सीखो। अब जैसे बॉडी रिकवर कर रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि फेस कैसा हो गया, क्योंकि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ भाई हमें अच्छा भी दिखना है। मैंने अभी शेविंग कराए हो गए भाई लगभग 25 से 30 दिन, महीना हो चुका है। मेरे पापा बोलते हैं क्या लुक ले रखा है, ये जंगली है क्या। तो भाई आज सबसे पहले अभी अपनी बनाना शेक लेके जाएंगे बार्बर के पास, कुछ अच्छा सा लुक लेके आएंगे। यार क्या सड़ा सा लुक ले रखा है, क्या सोच रहे होगे आप, भैया तो सड़े हुए यार। जस्ट लुक एट मी। ना ना ना, चलिए आज पहले जाके अपना यही काम करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं है, शेक फिनिश कर लेते हैं
और फौरन यहाँ से निकल लेते हैं। भाई जस्ट अभी हमने अपने बार्बर को कॉल की थी तो उन्होंने बोला कि आपका नंबर नहीं आ सकता क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, आपका नंबर शाम के बाद ही आएगा। तो यार दाढ़ी रह गई पहले, अभी सोच रहा था कि आज दिन में पहले ही सीखा काम कराता हूँ, लेकिन नहीं, जिम से आने के बाद शाम को कराना पड़ेगा। तो आज जिम में इसी दाढ़ी के साथ मिलते हैं। सो गाइस हमारी थर्ड मील कार्ड नंबर आता है, सेकंड मील्स मैं वीडियो बनानी भूल गया एक्चुअली, साथ में मम्मी पापा थे, उनके सामने बोलने में थोड़ी हिचक होती है, अभी पेरेंट्स की शर्म होनी चाहिए थोड़ी, तो उनके आगे मैं फ़ोन कम निकालता हूँ, बहुत कम निकालता हूँ और इतना बोलता भी नहीं। अभी अलग रूम में आके तब वीडियो बनाता हूँ अपनी, माँ बाप की शर्म होनी चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर अपने पेरेंट्स के साथ ओपन नहीं हो तो क्या बच्चे हो आप, नहीं ऐसा नहीं होता, एक जो डिस्टेंस होती है ना थोड़ी सी मेंटेन रखनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट लेवल उनके सामने थोड़ा कम एक्सप्रेस करना चाहिए खुद को। और ये चीज़ें जो यूट्यूब वाली ना वीडियो बनाना, ये थोड़ी वो कोड लगती है हमारे पेरेंट्स को, जो भी हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, आप सब रिलेट कर सकते हो, अपने आप से ही खुद सोच लीजिए। तो हमारी थर्ड मील में होता है भाई 100 ग्राम पनीर और साथ में कैलरी बढ़ाने के लिए उसमें एक बनाना कट कर लिया मैंने और साथ में है 8 से 10 आलमंड्स। अभी इस मील में ये हमारी प्री वर्कआउट मील होने वाली है, मैंने कल आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट तीन मील, ब्रेकफास्ट, प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील, ऐसी मील होनी चाहिए जिसमें आपका प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन हो। अभी हमारी प्री वर्कआउट मील है ये, इसमें 100 ग्राम पनीर है जिसमें हमें 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और एक बनाना जिसमें अराउंड 30 से 40 ग्राम हमें कार्ब्स मिल जाएगी, तो बहुत बढ़िया मील होने वाली है। वर्कआउट में एनर्जी भी मिलेगी और अभी थोड़ा मसल पंप भी फील हो रहा है 2 दिन से। हम जिम के लिए निकल रहे हैं, क्या मैं चलाऊंगा भाई, मैं चलाऊंगा। एक्साइटेड ना, एक्साइटेड ना, कौन सा एक्साइटेड, कौन सा एक्साइटेड, कौन सा वर्कआउट आज? अरे देख कितनी चिपका खड़ी कर रहे भाई, टैलेंट होना चाहिए खड़ी करने का, बिल्कुल घिसा के पाक कर सकता हूँ मैं। इतने दिन खाली पड़ा रहा, आज सोचने का ज्यादा मौका मिल गया भाई, थोड़ा सोचा लाइफ के लिए सीरियस हुआ जाए, ज्यादा सीरियस नहीं आज से और तेज दाद नहीं भाई, डर लग गए हैं, आराम से चला। अगली गली में काट दी, ये हमारी हरियाणवी बोली है भाई, और ये अच्छा रिकॉर्ड कर रहा था, अच्छा सारा मेरा बेटे व्लॉग आ गया। अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए थे अगर वीडियो बन रही है तो, है ही नहीं भाई पहन के, सरप्राइज मुझे देख, सारी मसल डाउन है फिर भी कट स्लीव डाल रखी है भाई, पता क्या जैसे 2 दिन बारह वर्कआउट करते तो अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ हम पहले अच्छे थे यार, दुख दादी ब्रेकर पे कुदा भाई गाड़ी मेरी है, वो दूसरे देख एक्सेप्ट कर रहा है, बोल रहा है मेरी है, दूसरे की गाड़ी भाई ऐसी चलती है। बद्री फिटनेस में जिम खोल दी भाई, वरुण जड़ा कर उससे कौन है बद्री, बद्री फिटनेस से नहीं बता मेरे, ए मेरे मन तरह खतरी का भी पुरोहित खतरी आरके फिटनेस पुरोहित खतरी आपके भाई की पूरे इंडिया में सबसे बड़ी जिम, हाँ ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपके भाई की जिम ने, इतनी मतलब रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं हुई, जिम ओपनिंग से पहले 200 रजिस्ट्रेशन में फीस पूरे साल की 25,000 साल की, यानी पर मंथ कितनी पड़ी 2,000 के ऊपर, और ये 50% ऑफ है, यानी कुकर चला रही पापा ही परी उड़ रही थी भाई, फिल्टर लगा, फिल्टर लग गया तो मंदी क्यों ना रखता भाई, मेरे फिल्टर शॉर्ट कर रहा था उन्होंने रेन बिठा के इसकी ड्राइविंग दिखा दे, देख 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 तो सारे से नंबर में उठ लेता भाई, इसके अलावा मेरा ऐसे मन लग जाता बढ़िया, अच्छा छोरा हसमुख सब आओगा है, इस तरह कुछ गिफ्ट देने का जी कर मेरा, मैं दे दूं पर ये खो दे यार ये खो देगा भाई, वो जो गिफ्ट दूंगा मैं तेरे ते ये मंदिर मंदिर लिए भाई, आड़े तो एक वो ओटीजी देखनी है,
वरना माइक कनेक्ट नहीं होगा फोन पे। अभी जिम जाने से पहले एक बार सोचा यार अपने ट्राइपॉड के लिए, इसमें जो 3mm जैक है ना ये वाला, ये फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि फोन में ऑप्शन ही नहीं दे रखा हमारे 3mm जैक वाला सी टाइप। तो अभी OTG लेने आया, इसकी OTG नहीं मिल रही पहली बात तो, ब्रांडेड तो है ही नहीं, लोकल है। तो अभी और अच्छी आवाज़ आने वाली है अगली वीडियो में। शिवम को अब गाड़ी पार्क करना सिखा दिया आज हमने। होगी पार्क? अरे किसी गड्डी है यार, क्या हुआ? गाने बंद नहीं हो रहे। गाने भाई, ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, महंगी गाड़ी है। अपने आप बंद हो गए, देख चाबी निकालते ही बंद हो गए। और ये मिरर कर पहले यहाँ से, महंगी गाड़ी है ना अंदर से। हाँ हाँ बस बस दोनों हो गए। हाँ दोनों हो गए, अब लॉक कर दो। तो आज बड़ी आवाज़ मिलेगी भाई, एक नंबर की। अच्छा लग रहा, कई दिन से ट्राई कर रहा था मैं ये OTG ढूंढने की, लेकिन मिल ही नहीं रही थी। आज बड़ी मुश्किल से मिली, हालांकि लोकल है, अभी भी है, ओरिजिनल नहीं है, लोकल ही है। ये अपनी जिम का रास्ता, यहाँ इस होटल में अपनी जिम है। कट स्लीव्स डाल रही है भाई, पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट है बिना वजह। और नीचे चप्पल बिल्कुल कैमरा नहीं ला रहा है। गाइस अभी जिम पहुंच चुके हैं हम, और आज करेंगे अपना मिक्स वर्कआउट। वही लगातार दो दिन हो चुके हैं हमें मिक्स वर्कआउट करते। लोअर बॉडी तो ट्रेन कर रही नहीं है अभी एक महीने के लिए, हालांकि अपर बॉडी ट्रेन करने में प्रेशर पड़ता है नीचे, लेकिन मैक्सिमम वो एक्सरसाइज हम अवॉइड करते हैं जिसमें ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो। तो बैक की एक्सरसाइज बहुत कम हो पा रही है, सिर्फ लैट पुल डाउन हो रही है, बाकी जितनी होती है बेंट ओवर रोइंग होती है, डेड लिफ्ट होती है, रैक पुल्स होती है, सब में लोअर बॉडी यूज़ होती है, वो अभी अवॉइड कर रहे हैं। बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं, ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं, चेस्ट के लिए सिर्फ चेस्ट प्रेस मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, और बटरफ्लाई है और शोल्डर, हाँ ये चीज़ें ट्रेन कर रहे हैं अभी। सो गाइस इट्स आवर डे थर्ड, सेकंड डे हमारा वेट था 58.3 kg, हालांकि उसमें हमारे हाथ में फ़ोन था, 200 ग्राम फोन का वेट था। आज वेट की देखते हैं, उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ बड़ा मिलना चाहिए। मतलब वही है, मेंटेन है कल जितना वेट। मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ा बड़ा मिला, क्योंकि डाइट अच्छे से ली मैंने आज, एक मील हैवी भी ली थी, बट कोई नहीं, वही की वही वेट स्टेबल है, अच्छी बात है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सो आज अब करते हैं अपना मिक्स वर्कआउट, है ना? ओके वेरी गुड। ये चप्पल में कैसे? चप्पल यार बताया तो, आप मेरा व्लॉग नहीं देखते क्या? नहीं हम नहीं देखते, चैनल को सब्सक्राइब, आपको ब्लॉक करूँगा मैं भाई, घर में काम चला हुआ, सारे शूज़ खराब पड़े हैं, मैं क्या इसलिए। हाँ आप अपने दे दो, आप
हमारे हम पहले ही गरीब हैं। ये नहीं देगा, इसके थोड़े कॉस्टली शूज है ना। हाँ, 200 रुपए वाले। तो आज का अपना वर्कआउट पूरा होता है, वर्कआउट के बाद एक बनाना खाने के लिए। बिल्कुल, ये मेरा केला भी ले रखा है। क्या कहाँ है ये? हाथ में। हाथ किसके हाथ में भैया? तो चलिए चलते हैं भाई घर की तरफ। ये अपना पोस्ट वर्कआउट मिला, घर पे जाके अपना गेनर और दोबारा शेक पियेंगे। आज वर्कआउट करके वैसे ज़्यादा मज़ा नहीं आया भाई, सच बताऊँ। सुबह जिम से घर आ चुके हैं हम, अभी बनाना शेक का टाइम होता है अपना। पूरे दिन में अभी टाइम लगा है फ़ोन चलाने का, क्योंकि दिन में भी ब्लॉग एडिट कर रहा था कल वाला, अब जाके पूरा हुआ है भाई वो। और साथ में मील्स भी लेनी होती है अपनी। अभी थोड़ा रिलैक्स माइंड से बैठा हूँ, क्योंकि वर्कआउट के बाद वैसे भी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है। ऊपर पंखा चल रहा है बाहर, आराम से छत पे आराम से लौटे हुए। बनाना शेक के एक बार इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ आपको। इसमें 2 बनाना, 1 स्कूप गेनर की, 40 ग्राम ओट्स, 1 गिलास दूध। सारी मील्स बताता हूँ मैं आपको, तो यही मील लेनी है। इसमें हो सके अगर आपको कैलोरी बढ़ानी हो तो 2 या 3 बिस्किट भी डाल सकते हो। शेविंग करा देते हैं अभी। फाइनली वी आर डन विद आवर शेविंग। बाल भी धीरे धीरे आ रहे हैं। एक गंजा हो गया था ना भाई। ये वाले ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि हमेशा मैं साइड बारीक करवाता हूँ, यहाँ पे रेजर हमेशा लगवाता हूँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बाल आते हैं। ये अपनी नॉर्मल स्पीड से आएंगे, बटा जाएंगे, गंजे नहीं रहेंगे ना। सो गाइस, कल का व्लॉग ख़त्म नहीं कर पाया था, टाइम नहीं मिला था। अभी आज सुबह सुबह day 4 अपना व्लॉग ख़त्म कर देते हैं। सुबह सुबह ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स रेगुलर आते रहेंगे। अब मेरे घर वाले भी बोलते हैं, भाई क्या कर रहा है, पूरे दिन हाथ में फ़ोन रहता है, ध्यान कहाँ दे रहा, कौन गर्लफ्रेंड है तेरी, किससे बात कर रहा। मैं बोलता नहीं नहीं, दुनिया का भला कर रहा हूँ, इससे मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ यार, शादी का टाइम हो गया, बाल उड़ गए, बाल सफ़ेद भी हो गए, बूढ़े हो गए, अभी गर्लफ्रेंड का ज़माना थोड़ी यार। तो जरूर वीडियोस देखिए, पूरी देखिए यार, आप लोगों के लिए बनाई है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ब्रो चैनल। टेक केयर गाइज। कल ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, कल पंप भी बढ़िया था, आज पंप नहीं आया उतना बढ़िया। आज इसका केला लिया ना, इसलिए देखो गला हुआ था ना नीचे से। किसका लेना चाहिए थे? तो मैं आप लेते हो, आप केले लेते हो? हाँ ही ले रहा, देखा नहीं अभी इतना लिया मुँह में। तुमने मेरा चैनल पोर्न अप बना दिया। किसने? तुमने एमी एंडरसन को बुलाने की जरूरत है बस, अब और से नहीं, लियोनो को। लियोनो लियोनी।